सृजना के दंश को झेलकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले मेरे बहुत ही अजीज ब्रह्मदत्त शर्मा जी और मेरे कलमजीवी मित्रों दोस्तों, आज से 4 साल या 5 साल पहले ब्रह्मदत्त शर्मा जी के उपन्यास का विमोचन समारोह था एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और मुझे वहां बोलने का अवसर मिला तो मैंने एक बात कही थी कि कमाले आश की हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आश की हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। तो ब्रह्मदत्त जी के लिए बात थी कि समाज में यमुनानगर में देखिए तो 15-16 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन सरस्वती की कृपा जो शब्द सृजना का जो काम है वो बड़ी मुश्किल से 16 या 20 लोग यमुनानगर के भीतर होंगे जो सही मायनों में कर रहे हैं। तो लगभग 1 लाख आदमी के पीछे किसी एक या दो व्यक्तियों को ये हुनर जो है वो हासिल होता है। और मैंने साथ के साथ ये कामना भी अभी व्यक्त की थी कि बहुत ही जल्द उनके माध्यम से दूसरी कृति भी हमारे बीच में आएगी और मैं समझता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग की दृष्टि से, सृजनात्मक लेखन की दृष्टि से अगर 4-4.5 साल के गैप के बाद एक कृति आती रहे तो ये किसी रचनाकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि सृजन की पीड़ा प्रसव पीड़ा के बराबर ही मानी जाती है और लेखक ना जाने कितने मानसिक आवेगों से गुजरता हुआ और वैचारिक मंथन से गुजरता हुआ तब जाके एक कृति को, एक रचना को समाज को सौंपता है। और यह भी एक शाश्वत सत्य है कि एक कथाकार अपनी रचनाओं में, अपनी कहानियों में जितना कुछ कहता है वास्तव में उससे कितना ही ज्यादा वो अनकहा छोड़ भी देता है, वो सिर्फ आप पाठकों के ऊपर निर्भर करता है। और वो बात आपको इन कहानियों के भीतर भी निरंतर जो है वो मिलेगी। जब आप कहानियां पढ़ेंगे अगर उनमें से किसी एक घटना से भी आपने जीवन में आत्मसात किया है तो वो घटना आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। जैसे कि अभी बहादुर सिंह जी यहां बोल के गए, ये हमारे शहर के, उन्होंने बताया सबसे पहले पीठासीन अधिकारी हैं, तो निश्चित ही उसकी पीड़ा भी और उसका प्रभाव, उसकी गहराई भी उसको बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने अनुभव भी किया है। और ये सही भी है, हम में से जितने भी लोग हैं वो उस दौर से गुजरे हैं और जो कुछ ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने उस कहानी के अंदर कहा है उससे कहीं कहीं ज़्यादा अनुभव जो हैं वो हमारे पास हैं। कहानी कहने की कला हर आदमी के पास होती है। मैं मानता हूँ मेरी दादी और मेरी नानी पहली कहानीकार थी जो मुझे कहानी सुना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, हम बच्चे भी सुनाया करते थे। लेकिन कुदरत उस वाक्य को शब्दों में ढाल के और लेखकों के, पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का हुनर जो है वो बहुत कम और विरले लोगों को देता है और वो ब्रह्मदत्त शर्मा को मिला है, इसलिए मेरी सबसे पहली मुबारकबाद उनको है। कहानी लेखन कला की यदि हम लोग बात करें, रमेश जी भी कह के गए हैं ये आसान नहीं होता है दोस्तों। कहानियों पे बात बहुत ही, मैं कुछ कहानियों पे बात करूंगा, ये आसान नहीं होता है मित्रों। विषय का चयन करना, हम में से हर आदमी जो है वो समाज में निकलता है, अपने आसपास को, पड़ोस को अनुभव करता है, देखता है। और अगर मैं ये कहूं कि हमारे आसपास बहुत सी रचनाएं बिखरी हुई होती हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, लेकिन दृष्टि हमें इन चीजों को चुनने की दृष्टि जो है वो नहीं मिल पाती है, हर आदमी को नहीं मिल पाती है ये दृष्टि। तो पीठासीन अधिकारी के भीतर से गुजरते हुए
मैं जो अनुभव करता हूँ कि कहानी लेखन कला के जो तत्व हैं उनमें सबसे पहली बात है कि विषय की पकड़ या कि विषय का चयन। इन तमाम कहानियों को पढ़ते हुए आप एक बात महसूस करेंगे, भाई अशोक ने भी शुरू में इस बात को कहा था कि ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं उनका परिवेश हमारे आसपास का परिवेश है, बाहर का परिवेश नहीं है। हम कहीं ना कहीं उस परिवेश से रूबरू हुए हैं और हम में से सब ने पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी दी, लेकिन ब्रह्मदत्त जी ने उस विषय को पकड़ा और बड़ी सूक्ष्मता के साथ उसको जो उन्होंने चित्रित किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इन 10 की 10 कहानियों की जो विषय वस्तु है उनको बड़ी गंभीरता और सूक्ष्मता से पकड़ के और तब उसको बड़े रस लेकर उन्होंने उस बात को जो अभिव्यक्त किया है उसका विस्तार किया है। कहानी लेखन कला के दूसरे तत्व में मैं कह सकता हूं कि कथा की या कि विषय की सार्थकता। कई लोग विषय को पकड़ते हैं और एक स्पाट बयानी करते हुए चलते हैं, विषय को पकड़ा जैसे किसी मेले का विवरणात्मक वर्णन कोई करता है ना, या वर्णनात्मक उसकी प्रस्तुति होती है, वैसे वो कहानी को लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन नहीं, यहां जब इन कहानियों के भीतर से हम लोग गुजरते हैं तो उसका विस्तार आप देखें कि जिस तरह के उतार चढ़ाव उसमें होते हैं। एक एक चरित्र को आप ले लीजिए, किसी भी कहानी के चरित्र को लीजिए, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ बिना किसी समझौते के एक लेखक की निसंग दृष्टि से उन्होंने उसका निर्माण किया है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। वो इस कहानी के हर एक चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हमारे सामने आता है, कहानी की सार्थकता के रूप में हमारे सामने आता है। और कथाएं जो हैं उसमें कहीं भी स्खलन नहीं है किसी तरह का, जो कहानी कहते कहते एक बिखराव आ जाता है, आदमी कहता है यार कहां निकला था और कहां पहुंच गया। लेकिन जिन्होंने भी पीठासीन अधिकारी की कहानियों को पढ़ा है, 10 की 10 कहानियों में एक पिन जहां लगा के लेखक चलता है और उसके बाद निरंतर जो है वो कहानी अपनी अनविति की ओर जाती है, अपनी प्राकाष्ठा, अपनी चरम सीमा की ओर चलती है। यानी कि कथा का सगुंफन जो है वो इन तमाम कहानियों के भीतर हम लोगों को देखने को मिलता है। भाषा की बात हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी बात कह के कि किसी लेखक को उसकी भाषा बड़ा लेखक बनाती है। और बड़ा लेखक विद्वत्ता को प्रकट करने से कोई आदमी बड़ा लेखक नहीं बनता है। मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ेंगे, एक एक पृष्ठ पर 2-2, 3-3 मुहावरे और एक एक लोकोक्ति जो है बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाती है। यानी जनभाषा एक ऐसी भाषा हो कि जिसको एक सहज आम व्यक्ति भी जो उसको पढ़े और कॉलेज या स्कूल का टीचर भी उसको पढ़े और रचनाकार भी कोई उसको पढ़े तो उन तीनों को समान रूप से रस की प्राप्ति जो है वो उन कहानियों के भीतर से होनी चाहिए। वो इन तमाम कहानियों के भीतर हम लोगों को दिखाई पड़ती। एक सुझाव मेरा सिर्फ जरूर यह रहेगा कि कहीं कहीं मुहावरों का उपयोग हुआ है उसको अपनी कहानियों में भाषा में और थोड़ा बढ़ाएंगे तो उसकी अर्थवत्ता और उसका प्रभाव जो है वो द्विगुणित हो जाएगा, कई गुना जो है वो उसके अंदर बढ़ जाएगा। और मित्रों, बिना उद्देश्य के कभी कोई रचनाकार नहीं, कभी कोई रचना नहीं होती है। इन 10 की 10 कहानियों के उद्देश्य को आप अगर लेके चले तो आप एक कहानी भी ऐसी नहीं निकाल सकते कि जिसका उद्देश्य आपके समाज। लेखक क्यों लिख रहा है रचना को, रमेश जी यही कह के गए कि विषय तो सबके सब पुराने होते हैं, सिर्फ प्रस्तुतिकरण है कि संजीव गांधी किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, कोमल साहब किस रूप में दे रहे हैं, या अरुण कहरबा कैसे वो कर रहे हैं, अशोक या मैं किस रूप में उसको रख रहा हूं। ये एक शैली है, एक स्टाइल है अपना कि हम उसको किस ढंग से उसको रखते हैं। तो ये 10 की 10 कहानियां जब हमारे सामने आती हैं, अगर चतुर्भुज कहानी को आप लेंगे तो उसके अंदर एक परिवार की पीड़ा को जिस तरह से दिखाया और अंत में ये बहुत बेहतरीन कहानी है,
कि अंत में गौरव का जो बदलना जो है वो एक पितृ सत्तात्मक सत्ता को तोड़ना है, जो बहुत बड़ी बात उसमें कहानी के अंदर आती है। दो कहानी इसके अंदर ऐसी आई है कि जहां लेखक ने पितृ सत्तात्मक सत्ता जो है उसके ऊपर चोट की है। एक चतुर्भुज कहानी है, क्योंकि हमारे यहां स्त्रियों को द्वयम दर्जे का मान लिया गया है और यह मानसिकता शुरू से बन जाती है, अनजाने में बन जाती है। कई परिवारों के अंदर सायास ये चीजें पनपती हैं और कई परिवारों में अनायास, क्योंकि परवरिश हमारी इस ढंग से कर दी जाती है कि बहन और भाई के अंदर वो भेद ऑटोमेटिकली उभरता हुआ निकल आता है। हम जानबूझ के नहीं करते, निकल आता है। तो चतुर्भुज कहानी में वो पितृ सत्ता को लेखक ने तोड़ा है, सायास तोड़ा है, बढ़िया तरीके से तोड़ा है। लेकिन दूसरी ओर 5 साल बड़ी पत्नी के अंदर उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है, जब एक कहानी के अंदर लेखक उस इमेज को तोड़ता है, खंडित करता है, तो यह नहीं है कि वहां लेखक उस बात से अनभिज्ञ है। भिज्ञ है, वो जानता है। लेकिन हमारे समाज में आज भी इस तरह की मानसिकता को मौजूद देखा जा सकता है। लेखक इसलिए छोड़ता है हमारे पाठकों के ऊपर कि वो खुद निर्णय करें कि क्या यह स्थिति सही है। जब एक पुरुष अपने से 3, 4, 5, 10 साल छोटी स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, तो एक स्त्री अपने से छोटे 5 साल या 4 साल छोटे व्यक्ति से क्यों नहीं विवाह कर सकती है? और कहानी के प्रारंभ में देखिए, उसी मानसिकता को लेखक दर्शाता है कि जब अरविंद अपने ऑफिस के अंदर बैठा है और बाकी सारे लोग, मिश्रा जी हैं और भारद्वाज जी हैं या और लोग जिस तरह से वो बातें करते हैं, सारे के सारे वो जो ताना बाना कहानी की शुरुआत करते हुए बुना गया है, वो इसी मानसिकता को हमारे सामने रखता है। मित्रों, कितना अच्छा हो कि हम अपने घरों के अंदर अपनी दादी को, अपनी माँ को, अपनी चाची ताई को, फिर अपनी भाभी को और उसके बाद अपनी बहनों और बेटियों को देखते हैं कि जो निरंतर घर के भीतर काम करती हैं। और मेरा अनुभव तो यह है कि मेरे से ज़्यादा सशक्त मेरी माँ थी, मेरे से ज़्यादा सशक्त मेरी बहन भाभी थी, मेरे से ज़्यादा सशक्त मेरी पत्नी है और मेरे से ज़्यादा सशक्त मेरी बेटी है। ये फैक्ट है, हकीकत है, मैं नहीं कर सकता उनका मुकाबला। लेकिन फिर हमें बार बार इन चीज़ों को लेना पड़ता है। अब अगर किसी रचना के माध्यम से लेखक इस बात को करता है तो इसका मतलब है वो समाज को सोचने के लिए एक विषय दे रहा है कि ये विषय जो है इस पे सोचिए भाई कि समाज में ये स्थितियां जो चल रही हैं ठीक है या कि गलत हैं। गलत हैं तो इसको परिवर्तित होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। इसके बाद विषय चयन के बाद आइए कि कल्पना तत्व, इमेजिनेशन। इसमें कल्पना की उड़ान तो हो लेकिन यथार्थ से उसकी पकड़ छूटनी नहीं चाहिए। अशोक का एक शेर है, परों की जात से ऊंची उड़ान मत रखना, मगर नजर से जुदा आसमान मत रखना। ठीक बोला अशोक, 15-20 साल पहले सुनाया था तुमने। तो लेखक जो है, जहां कल्पनाशीलता तो हो लेकिन भटकाव ना हो जाए, वो कहानी जो है वो यथार्थ के धरातल को छोड़कर अप्रभावी ना बन जाए, इतनी कल्पना की उड़ान उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि वर्तमान संकलन की जितनी भी कहानियां हैं उनमें यथार्थ से दूरी नहीं है, कल्पना का विस्तार तो दिया गया है। क्योंकि जब आदमी एक छोटे से विषय को पकड़ता है तो उसको विस्तार तो देना है ना। पंख तो फैलाए हैं लेकिन पंख को फैलाने के साथ अपनी ताकत को भी निरंतर परखा गया है। एक एक कहानी को आप ले सकते हैं। चतुर्भुज की बात मैंने आपके सामने कही है, 25 साल बाद जो है उस कहानी को देखिए कि उसमें कल्पना का गजब संयोग है, गजब रंग है कल्पना के जो है। जिन जिन ने भी उस कहानी को पढ़ा है मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उनको अपनी कॉलेज लाइफ जरूर याद आई होगी। 25 साल बाद कहानी जो है, स्तेंदर और शीतल एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, कहानी को विस्तार नहीं दूंगा, वो आप सबने पढ़ी होगी।
और एक युवा मन की जिस तरह की धड़कने होती हैं, वो किस तरह से वो उसको अंजाम देते हैं और आगे चलते हैं, वो ले जाके और उसकी चरम अनुभूति जब होती है कि बड़े अरसे के बाद आके जब सतिंदर बबीता से मिलता है और उसे पता चलता है कि शीतल भी उसको चाहती थी और जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो भी ये सोचता हुआ घर वापस लौटता है। ये कहानी का अंजाम है और ये हकीकत है दोस्तों। आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, हमने भी कहीं अपनी सहपाठियों की ओर देखा होगा लेकिन हिम्मत नहीं जुटाई होगी उस समय कुछ कह पाने की, जो है नहीं है ना। तो वो सारी चीज बड़े ही यथार्थ कल्पना है, लेकिन कल्पना के साथ उस कल्पना का बिखराव इतना नहीं हुआ है कि वो यथार्थ से उसकी पकड़ छूट जाए। चतुर्भुज इसी श्रेणी के अंदर आती है और गिरफ्तारी कहानी जो है, मैं समझता हूं कि यथार्थ की दृष्टि से इस संकलन की सबसे बेहतरीन कहानी है गिरफ्तारी, कि जहां लेखक प्रशासनिक तंत्र को और दूसरी तरफ उसका आम आदमी के ऊपर किस तरह से उसका प्रभाव जाता है उसको बहुत ही बारीकी के साथ वो दर्शाता है कि एक तरफ तहसीलदार है, पटवारी है, गांव का सरपंच है, और ये सब मिलकर किस तरह से एक आम जो कृषक है बनवारी और उसको जो है उस व्यवस्था का शिकार बनाते हैं। और उसका भोलापन देखिए कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि दो मजदूर और बीज और वो बड़ी मुश्किल से लेके आऊं, आलू बोने मेरे को, तो ये बात जब वो करता है लास्ट के अंदर और जो है उसकी सारी की सारी बातें जो है घर करके जो गाड़ी चल के जाती है और उसमें खो जाती है, यानी कि लेखक दर्शाता है कि व्यवस्था एक सामान्य कृषक की जिंदगी को और उसकी विपदाओं और समस्याओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक जगह और कहता है कि मेरी माँ तो पिछले 50 साल से गोसे और उपले और लकड़ियां जला के खाना बनाती है, वो तब तो उसको तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक जो है। यहां आप देखिए कि दो चीजें उभर के हमारे सामने आती है, एक ये कि व्यवस्था कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि 50 साल पहले भी ये लकड़ियां, ये पराली का जलना, ये सारी चीजें थी, उस समय तो एनवायरमेंट खराब नहीं होता था, तो अब पिछले 10 सालों से अगर खराब होने लगा है तो व्यवस्था को ये समझना होगा भाई इस समस्या के उत्स जो हैं वो वहां पे नहीं है, बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो हमारी व्हीकल्स इतनी बड़ी मात्रा के अंदर बढ़े हैं, उस तरफ आप लोगों को ढूंढने की जरूरत है और उस तरफ व्यवस्था जो है वो ध्यान नहीं देती है। तो इस तरह से यथार्थ जो है वो इसके इन कहानियों के भीतर जो है वो बहुत ही मैं समझता हूं कि सूक्ष्मता के साथ आया है। और सबसे अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लेखक अपनी रचनाओं को लिखकर समाज को सौंपता है और लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उसकी रचनाएं अप्रासंगिक हो जाएं। वर्तमान समय में मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं भी प्रासंगिक हैं तो ब्रह्मदत्त जी की रचनाएं भी प्रासंगिक हैं। इन रचनाओं की अप्रासंगिकता जो है वो मेरे और आपके ऊपर निर्भर करती है, समाज के ऊपर निर्भर करती है। जिन चीजों के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं कि ये चीजें हमें और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, रचनाकार उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को सौंपता है, इसलिए कि हम उनको पढ़ें भी सही और उनके ऊपर अमल भी करें। याद करें मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, आज से 100 साल पहले 1916 का वो उपन्यास लिखा हुआ, 16 से 20 के बीच का, उस समय भी अगर यह समस्या थी कि एक सिगरेट फैक्ट्री के लिए सूरदास की जमीन को जो है वो किसी को सौंप दिया जाता है, तो आज भी किसान जो है वो सेज की लड़ाई लड़ रहा है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए उसकी जमीन को लिया जा रहा है, तो उसकी लड़ाई वो लड़ रहा है। यानी कि 100 सालों के बाद भी समाज के अंदर किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर लेखक की रचनाएं अप्रासंगिक हो जाएं, जिसकी जिम्मेदारी लेखक ने तो अपना कर्म कर दिया,
ईमानदारी से किया, निष्ठा से किया, लेकिन समाज को ये देखना है कि हम जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ईमानदारी से अमल करें, और जिन समस्याओं की ओर लेखक हमारा ध्यान आकृष्ट करता है उन समस्याओं को हम अपने समाज से दूर करें। अंत में एक बार फिर मैं भाई ब्रह्मदत्त को बेहतरीन कहानियों की सृजना के लिए मुबारकबाद देता हूँ, और फिर 4 साल पहले जो मैंने बात दोहराई थी इस विश्वास के साथ कि बहुत जल्द हमें उनका जो उपन्यास जिस सृजना से वो अब गुजर रहे हैं वो जल्द हमारे हाथों में होगा, और इसी तरह की चर्चा परिचर्चा एक बार फिर हम आयोजित करेंगे। धन्यवाद।